हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम का जो थर्ड सेमेस्टर का हिस्ट्री माइनर का सिलेबस है वो देखने वाले हैं। अगर आप थर्ड सेमेस्टर में गए, आपने रिसेंटली सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए हैं एंड अब आप थर्ड सेमेस्टर में गए हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे हिस्ट्री माइनर का सिलेबस। तो देखिए, हिस्ट्री माइनर का जो सिलेबस है वो क्या है, कितने यूनिट्स आएगी, ये सब जानेंगे इस वीडियो में हम, ठीक है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि एनसीईआरटी से जुड़ी सारी अपडेट्स आप तक टाइमली पहुँचती रहे, ठीक है। तो देखिए, आपका जो सिलेबस है वो जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में था, सेकेंड सेमेस्टर में था, वैसा ही है। बस आपको जो पढ़ना है वो थोड़ा चेंज हुआ है। देखिए, आपकी जो बुक है उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 से 1550, ठीक है। इस टाइम पीरियड का आपको पढ़ना होगा इंडिया की हिस्ट्री के बारे में। तो देखिए, आपका सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या है। यूनिट वन में आपको पढ़ना है फाउंडेशन, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ सल्तनत, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे आप, एकता सिस्टम, नोबिलिटी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, मंगोल्स, ये सब पढ़ना होगा, ठीक है। यूनिट टू में पढ़ना है मिलिट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, खलजी और तुगलक के बारे में, ठीक है। उसके बाद थर्ड यूनिट में पढ़ना है रीजनल पॉलिटिकल फॉर्मेशन, विजयनगर एंड भामनीस, ठीक है। एंड फोर्थ यूनिट में देखिए सेकेंड अफगान एम्पायर के बारे में आप पढ़ेंगे। फिफ्थ यूनिट में पढ़ना है सोसाइटी, कल्चर एंड रीजन, रिलीजन, भक्ति, कबीर, मीराबाई, सूफिज़म, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। सिक्स्थ यूनिट में आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड सेवन्थ यूनिट में ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। तो ओवरऑल आपकी टोटल 7 यूनिट्स आने वाली हैं, ठीक है। तो आप ये 7 यूनिट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो ये सिलेबस था हिस्ट्री माइनर का। मुझे उम्मीद है आपकी वीडियो यूज़फुल लगी। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।